हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। एज यू नो वेरी वेल कि वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड पाइथन प्रोग्रामिंग में आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रिंग मेथड्स का पार्ट नंबर टू। तो पार्ट नंबर टू में आज जो हम मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के, वो बेसिकली तीन है हमारे पास में। उसमें सबसे पहले यू कैन सी स्ट्रिप मेथड है और उसी के सब पार्ट्स हैं, दैट इज एल स्ट्रिप एंड व्हाट आर स्ट्रिप। तो बिना टाइम वेस्ट के हम बात करते हैं स्ट्रिप मेथड की। तो इट्स ऑल अबाउट, जब हम ये सारे स्ट्रिप मेथड की बात करते हैं, सो दीज आर एक्चुअली यू कैन से यूज्ड फॉर रिमूविंग स्पेसेस, राइट? व्हाट? रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम व्हाट? अ स्ट्रिंग। हियर आई एम राइटिंग व्हाट फ्रॉम ए स्ट्रिंग, आई एम नॉट राइटिंग इन अ स्ट्रिंग। द रीजन इज व्हाट आई विल टेल यू लेटर। तो बेसिकली स्ट्रिप मेथड, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का जो पर्पज होता है, दैट इज सिंपली यू कैन से इट इज यूज फॉर रिमूविंग व्हाट स्पेसेस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रिप मेथड, इट इज वेरी सिंपली कि इट रिमूव्स स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ यू कैन से व्हाट अ स्ट्रिंग। बेसिकली जो हमारा स्ट्रिप मेथड होता है, दैट इज बेसिकली यूज टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। एल स्ट्रिप एज यू कैन से लेफ्ट स्ट्रिप, तो लेफ्ट स्ट्रिप का मतलब होता है इट रिमूव्स स्पेसेस, राइट, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ यू कैन से अ स्ट्रिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर स्ट्रिप, मैं थोड़ा इसका साइज को रिड्यूस कर दूं। सो जब हम आर स्ट्रिप मेथड की बात करते हैं, तो एज नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट स्ट्रिप मींस इट रिमूव्स व्हाट स्पेसेस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम राइट यू कैन से ऑफ द स्ट्रिंग। सो दिस इज वी कैन से इज समहाउ यू कैन से की आर पर्पस ऑफ व्हाट स्ट्रिप मेथड, एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। तो बेसिक जो मोटिव होता है सीधे सीधे ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्पेसेस को जो है आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से। नाउ यहां जब हम स्पेस रिमूव करने की बात करते हैं, तो रिमेम्बर वन थिंग कि जो स्पेस होता है वो आइदर लेफ्ट साइड का होगा या राइट साइड का होगा। लेकिन विद इन ए स्ट्रिंग अगर कोई उसके बीच का कोई स्पेस है, तो उसको हम स्ट्रिप मेथड के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। तो मैं इसको आपको चलिए पहले एग्जाम्पल से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम बात करते हैं कि कौन सा स्पेस रिमूव नहीं होता। तो मैंने शेल ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल x लिया, इस x पे मैंने डाल दिया, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ स्पेस दे दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो, ओके। और इसके राइट साइड में मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ, देन आई पुट कोल सेमी कॉलन, आई मीन सॉरी इन्वर्टेड कॉमा से इसको मैंने क्लोज कर दिया। नाउ इफ यू डिस्प्ले x, इट विल डिस्प्ले यू व्हाट हेलो, राइट। नाउ इसके दोनों साइड में आप स्पेस देख सकते हैं, आप इसके लेफ्ट साइड में भी स्पेस आ रहा है और राइट साइड में भी स्पेस आ रहा है। एज आई सेड कि अगर आप इसमें एक्स डॉट स्ट्राइप मेथड यूज करते हैं, राइट, अगर मैंने ये ले लिया एंड इसके बाद अगर मैं प्रेस करता हूं एंटर, तो नाउ यू कैन सी अब जब भी आप सॉरी एक्स डॉट स्ट्रिप मेथड जब आप यूज करेंगे, इट विल डिस्प्ले दोनों साइड से स्पेस को रिमूव कर दिया। नाउ अगर आप इसको स्ट्रिंग को स्टोर करना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट वाई इक्वल टू एक्स डॉट स्ट्रिप, राइट। नाउ इफ यू डिस्प्ले इट एंड देन इफ यू डिस्प्ले वाई, तो इट इज शोइंग विदाउट स्पेसेस, राइट। नाउ बट जब आप एक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड में स्पेस को दिखा रहा है, राइट। नाउ बिकॉज यू नो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। नाउ अब बात आ रही है कि अगर आपको केवल लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करना है, सो दैट वॉट कैन यू डू। सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक्स डॉट एल स्ट्रिप या स्ट्राइप, ठीक है, प्रेस एंटर, यू सी आपका जो लेफ्ट साइड का स्पेस है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, रिमूव हो सकता है, हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से भी किसी दूसरे स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर सकते हैं। नाउ इफ यू डिस्प्ले एक्स, इट इज शोइंग व्हाट दोनों साइड का स्पेस। अब मैं क्या करता हूं, आर स्ट्रिप को यूज करता हूं, लेकिन आर स्ट्रिप अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे राइट साइड का पता नहीं चलेगा। जैसे मैं अगर करता हूं एक्स डॉट आर स्ट्रिप, राइट, आर स्ट्राइप कर दीजिए, ये मैंने ले लिया, प्रेस एंटर, यू कैन सी नाउ हेलो इज डिस्प्लेइंग। तो आप देखते हैं कि राइट साइड का स्पेस भी जो है यहां से प्रॉपरली डिलीट हो चुका है। तो जब आप स्ट्राइप मेथड यूज करते हैं, तो दोनों इस तरफ के लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स स्पेसेस आर गेट रिमूव्ड। एंड व्हेन यू प्रेस व्हेन यू यूज एल स्ट्रिप, यू कैन रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग। एंड व्हेन यू प्रेस आर स्ट्रिप और यू यूज आर स्ट्रिप मेथड, इट रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग।
बट अब जो अगर मैं बात करूं कि मैंने ये बोला कि यहां पे लिखा मैंने फ्रॉम, लेकिन ये विद इन ए स्ट्रिंग आप नहीं कर सकते. विद इन ए स्ट्रिंग कैसे नहीं कर सकते वो भी मैं पाइथन शेल को मैं आपको बताता हूं. अभी मैंने ये फ्रेश ले लिया शेल को. अब मैं से फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं हैस. अब मैंने यहां पे ले लिया से फॉर एग्जाम्पल हेलो हाउ आर यू. अब मैं अगर इसे ले लूं, अब इसके बाद में मैं एक्स लूं तो ये दिखा रहा है. बट अगर मैं एक्स डॉट स्ट्राइप मेथड को यूज करूंगा यू विल सी इसमें विद इन स्पेसिस को किसी को भी ये रिड्यूस या रिमूव नहीं कर रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, हम लोग रिप्लेस फंक्शन को यूज करते हैं. तो अब बात आ रही है कि रिप्लेस फंक्शन क्या होता है. तो विद द हेल्प ऑफ इट इज नॉट बेसिकली यूज फॉर रिमूविंग स्पेसिस एक्चुअली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसको रिप्लेस मेथड को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. बट मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूं कि अगर मैं यहां पे दे दूं x डॉट से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बात कर रहा हूं रिप्लेस मेथड की. सो इफ आई टेक x डॉट रिप्लेस इन ब्रैकेट में मैंने बोला कि मुझे क्या किस चीज को हटाना है, तो मैंने बोला कि भाई मुझे जो है आप स्पेस को हटा दो यहां से, ठीक है, और इसकी जगह जो है आप क्या कर दो, कुछ भी नहीं देना है मुझे. तो मैं क्या करता हूं यहां पे ले लेता हूं जस्ट ए मिनट. एक्चुअली माई कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग सो मैं फिर से ट्राई करता हूं एक्स डॉट रिप्लेस. और अब मैंने यहां पे कर दिया. चलो सिंगल कोटेशन लेके करता हूं. मैं स्पेस हटाना चाहता हूं एंड किससे हटाना चाहता हूं विदाउट एनी स्पेस. सो मैंने विदाउट स्पेस इसको प्रेस किया. नाउ प्रेस एंटर. सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग व्हाट हेलो हाउ आर यू विदाउट एनी स्पेसेस. सो विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस यू कैन से रिमूव दैट प्रॉब्लम कि विद इन आई मीन स्ट्रिंग अगर मल्टीपल स्पेसेस हैं या सिंगल स्पेस है जो भी है, अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट रिप्लेस मेथड. सो दिस इज व्हाट हाउ टू रिमूव स्पेसेस विद इन फ्रॉम अ स्ट्रिंग आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट और यू कैन से दोनों साइड से. तो व्हाट फॉर दैट वी कैन यूज व्हाट स्ट्राइप मेथड एज आई सेड अर्लियर. तो स्ट्राइप इज देयर, लेफ्ट एलस्ट्रिप इज देयर एंड आरस्ट्रिप इज देयर. जहां तक बात है रिप्लेस मेथड की तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरा चैनल का ये नॉलेज पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए. थैंक यू. बाय बाय.